नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था और दास वंश की समाप्ति के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली, अर्थात हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के भीतर ही उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के द्वारा सत्ता न संभाल पाने के कारण 1290 ईस्वी में दास वंश की समाप्ति हो गई। यानी हम सब कह सकते हैं कि केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या के पश्चात जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवा करके और दिल्ली की सत्ता को हासिल किया था। क्योंकि ये खिलजी कबीले से थे, खिलजी जाति से, इसलिए उनका जो वंश था उसको खिलजी वंश, खिलजी या खलजी वंश के नाम से इनको जाना जाता है। खिलजी वास्तव में तुर्की कबीले से इनका संबंध था, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक अफगानिस्तान के खल्ज प्रदेश में रहने के कारण, वहाँ की आदतों और रीति रिवाजों के अपना लेने के कारण इनको तुर्कों की अपेक्षा इनको अफगान समझा जाने लगा। लेकिन आधुनिक इतिहासकार या आधुनिक ऐतिहासिक शोधों में ये सिद्ध हो गया है कि खिलजी वास्तव में तुर्क कबीले से इनका संबंध था। जलालुद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन और राज्यारोहण की हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी बलबन का एक सूबेदार, एक अमीर था और बलबन की उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर मंगोल आक्रमणों से रक्षा की उसके राज्य की। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के जो अमीर थे वो अमीरों के 2 गुट बन गए, एक तुर्की अमीर और दूसरे खलजी अमीर। इन खलजी अमीरों का जो नेता था वो जलालुद्दीन खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी ने तुर्की अमीरों के षड्यंत्रों को समाप्त करके और इन अमीरों की हत्या करके और तत्पश्चात बलबन के उत्तराधिकारी केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके और स्वयं सुल्तान बन गया। और 13 जून 1290 ईस्वी को केकुबाद द्वारा निर्मित किलुगिरी के महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई, एक नए वंश की का संस्थापक इनको कहा जाता है। लेकिन प्रोफेसर के एस लाल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ खिलजीज यानी खिलजी वंश के इतिहास में ये प्रतिपादित किया है कि ये मात्र वंश का या किसी एक वंश का द्वारा दूसरे वंश को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि इसको खिलजी क्रांति नाम दिया गया। ये एक रिवॉल्यूशन है, ये एक क्रांति है। क्योंकि वो इसके अंदर 2-3 कारण बताते हैं। पहला कि खिलजी वंश के द्वारा एक के बाद एक नए प्रदेशों को जीता गया जो अब तक दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान द्वारा नहीं किया गया। दूसरी बात थी कि खिलजी वंश के द्वारा कला और विशेषकर साहित्य साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। और तीसरी बात केसलाल कहते हैं कि कूटनीति के क्षेत्र में भी खिलजी वंश के दौरान असाधारण प्रयोग किए गए। तो इन सभी कारणों के कारण उन्होंने इस सत्ता परिवर्तन को खिलजी क्रांति का नाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा और एक सूबेदार था और जो ही दास वंश की समाप्ति होकर के खिलजियों ने सत्ता पर अधिकार कर लिया तो उसने जलालुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और जब जलालुद्दीन खिलजी और उसका पुत्र अरकली खान
मलिक छजू के विद्रोह को दबाने के लिए गए और तत्पश्चात मलिक छजू को बंदी बनाया लिया गया और उसके हाथों में हथकड़ियां डाल करके सुल्तान के समक्ष पेश किया गया, तो सुल्तान ने उसको माफ़ कर दिया गया और उसको उस पर दया आ गई कि ये भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। उसके सम्मान में एक पार्टी रखी गई और उसको से सम्मान उसको रिहा कर दिया गया। इसके बाद इस काल में एक सिद्धि मौला का एक षड्यंत्र सामने आता है। सिद्धि मौला एक अजोधन का एक सूफी संत था और वो एक बहुत बड़ा विशाल खानकाह चलाता था और वहाँ पर सभी अमीर सूबेदार बड़े से बड़े राजकीय व्यक्ति वहाँ जाते थे और उसके पास कुछ ही समय के अंदर इतनी अधिक दौलत इकट्ठी हो गई और बड़ी संख्या के अंदर उसके फॉलोअर्स हो गए और तत्पश्चात कुछ अमीरों ने मिलकर के और सिद्धि मौला को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाने के लिए का एक षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र के पश्चात सुल्तान को जब इस बात का पता लगा तो जलालुद्दीन ने उसको पकड़ करके बुलवाया और सिद्धि मौला की हत्या करवा दी गई। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय में कुछ सैनिक अभियान किए गए, लेकिन सैनिक अभियानों में कोई जलालुद्दीन की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। पहला अभियान 1291 में रणथंभौर का किया गया था और इस समय रणथंभौर के शासक अमीर देव थे, लेकिन रणथंभौर का किला चूंकि बहुत अजय दुर्ग था उसको देख करके उसको लगा कि किला नहीं जीत सके, तो जलालुद्दीन ने कहा कि वे ऐसे 10 किलों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता और बिना आक्रमण किए ही लौट आए। 1291-92 में मंगोल नेता हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में 1.5 लाख मंगोल सेना के साथ पंजाब पे आक्रमण इन्होंने कर दिया और जलालुद्दीन खिलजी तुरंत इस मंगोल सेना को रोकने के लिए आगे बढ़ा और इनको मंगोलों को पराजित कर दिया। मंगोलों ने जलालुद्दीन से संधि कर ली और शांतिपूर्वक लौट जाने की उनको आज्ञा दे दी गई। लेकिन कुछ मंगोल, एक मंगोलों का दल जो था जो उलुघ खान के नेतृत्व में भारत में ही रुक गया था और इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और भारत में ये मंगोल नव मुसलमानों के नाम से विख्यात हुए। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उलुघ खान के साथ कर दिया गया। 1292 ईस्वी में के अंत में जलालुद्दीन ने मंडोर, जो आधुनिक जोधपुर या मारवाड़ का क्षेत्र है, पर आक्रमण किया और उसको उस पर विजय प्राप्त की। और इसके बाद में हम देखते हैं कि कड़ा और मानकपुर का गवर्नर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सुल्तान का दामाद और भतीजा था, उसने 1296 ईस्वी में देवगिरी पे आक्रमण करके वहाँ से सैकड़ों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लौट करके वापस आया और तत्पश्चात सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में कुछ अनबन सी हो गई। उस अनबन को मेटने के लिए जलालुद्दीन स्वयं सुल्तान स्वयं जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में गया और इसी मिलन के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो अनुयायियों महमूद सालिम और इख्तियारुद्दीन हद द्वारा जलालुद्दीन खिलजी का वध करवा दिया और इसी के साथ 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई और तत्पश्चात अलाउद्दीन ने शाही छत्र को अपने सिर पर धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। जियाउद्दीन बरनी लिखता है कि जलालुद्दीन के सिर को भाले में छेद करके कड़ा और मानकपुर के नगरों में घुमाया गया। और इसके अलावा बरनी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी इतना क्रूर था कि जलालुद्दीन खिलजी यानी सुल्तान के सिर से अभी खून टपक ही रहा था मृत्यु के पश्चात कि अलाउद्दीन खिलजी ने शाही चंदोबा उसके सिर से उठा करके अपने सिर पर धारण कर लिया। तो इस प्रकार ये लगभग 6 वर्ष के शासनकाल के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है और तत्पश्चात उसका दामाद और भतीजा जो कड़ा और मानकपुर का गवर्नर था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बनता है। धन्यवाद।